मेन वो मेन मतलब हमें इंटरनल लिंकिंग और क्रॉल डेप्थ पे वर्क करना है। तो क्रॉल डेप्थ के लिए हम मैं जैसे जैसे अभी हमने बात की थी, तो हम स्पैमिंग अगर हम नहीं करेंगे, हम ड्रिप फीडिंग के साथ कंटेंट डाल रहे हैं, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए कि आज हम बात करेंगे प्रोग्रामेटिक एसईओ के बारे में। तो हमने आज एक प्रोग्रामेटिक एसईओ के एक्सपर्ट को बुलाया है, और जो कि डेवलपर भी हैं और एसईओ भी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर। सो हाय अभिषेक, वेलकम। सो थोड़ा हेलो। अपने हिसाब से आप बता दीजिए कि आप क्या क्या एग्जैक्टली करते हो। सो या ओवर टू यू। हेलो लवीश, कैसे हो? थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी फॉर योर पॉडकास्ट। मैं बेसिकली ऑटो ब्लॉगिंग करता हूँ मोस्टली। आई एम वेब डेवलपर, तो मैं अपनी वेब डेवलपमेंट स्किल्स को ब्लॉगिंग में यूज़ करता हूँ। तो उनको यूज़ करके मैं ऑटो ब्लॉग्स बनाता हूँ, कस्टम ऑटो ब्लॉग्स इन डिफरेंट डिफरेंट निशेज। मेन कोर स्ट्रेंथ एंड मेन थिंग आई वर्क इज ऑन डायरेक्टरी, निश डायरेक्टरी टाइप ऑफ वेबसाइट्स। डायरेक्टरी साइट्स के बारे में थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं। तो डायरेक्टरी साइट्स क्या होती हैं एग्जैक्टली? डायरेक्टरी साइट्स होती है, आपने देखा होगा येल्प डॉट कॉम, येलो पेजेस डॉट कॉम, ये सब एक ब्रॉड डायरेक्टरी वेबसाइट्स हैं जिन पे सब ऑलमोस्ट हर बिजनेस वहाँ पे लिस्टेड है, एवरी एवरी इंडस्ट्री। तो मैं ये करता हूँ, मैं वहाँ से एक पर्टिकुलर निश डायरेक्टरी बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्लम्बर्स की या कोई साइट बनानी है, तो मैं प्लम्बर्स की एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, प्लम्बर्स वहाँ से निश उठा दूँ। तो मैं बेसिकली जिस टाइप की साइट्स बनाता हूँ, वो होते हैं वन निश वन कंट्री, प्लम्बर्स इन US की ऑल सिटीज। नाइस। सो ऐसे हम किसी भी निश के ऊपर साइट बना सकते हैं, मतलब अगर प्लम्बर्स की बनानी है किसी तो। भी निश में अच्छा, रिसेंटली एक आपका वीडियो देखा था जिसमें आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि डॉग्स के बारे में हम प्रोग्रामेटिक कैसे कर सकते हैं। डॉग्स को, डॉग्स का डेटा सेट हम कुछ यूज करके वो कैसे कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, लाइक उसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। तो मैं थोड़ा सा अपना भी इंट्रो दे देता हूँ। तो बेसिकली आई रन अ मार्केटिंग एजेंसी एंड आई ऑल्सो रन सम ब्लॉग्स, एंड हमने एक ब्लॉग साथ में भी बिल्ड कर रखा है जो ऑटोमेशन में चलता है और हर अपडेट में ऊपर ही जाता है वो, और हम वेट करें कि वो कभी के ऊपर जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, सो अभी तक तो उसमें हेल्पफुल अपडेट नहीं हिट हुआ है मेरे वाले में जो एग्जैक्टली हमने जो साथ में किया था। एंड सो वापस आते हैं टॉपिक पे। सो प्रोग्रामेटिक एसईओ में, मतलब अगर आपको एक लाइन में प्रोग्रामेटिक एसईओ को एक्सप्लेन करना हो, डायरेक्टरी वाला पार्ट हम साइड रखते हैं, बट अगर हमें सिर्फ प्रोग्रामेटिक एसईओ एज अ टर्म हमें इसको एक्सप्लेन करना, तो उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या एग्जैक्टली बोलते हैं इसे? प्रोग्रामेटिक एसईओ इज बेसिकली एन ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जिसमें आप बल्क में अपनी वेबसाइट पे पेजेस बनाते हो। सपोज आपने जैसे भी बताया, आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करते हो, तो आप पूरे इंडिया में आप सर्विसेज प्रोवाइड करते होंगे, या पूरे नेश, आपको कोई उनके पास पर्टिकुलर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको, आप जैसे गुड़गांव से हो, आपने अपने वहाँ पे अपनी वेबसाइट रैंक करा ली डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन गुड़गांव, बट यू वॉन्ट टू क्रिएट लैंडिंग पेजेस फॉर ऑल द सिटीज ऑफ इंडिया और US और कैनेडा, सो यू कैन क्रिएट बल्क ऑफ द पेजेस फॉर एवरी सिटी, एवरी पर्टिकुलर सिटी। तो अगर उसको मैनुअल आप करने जाओ, तो आपको काफ़ी काफ़ी एफर्ट्स लगेंगे। तो इसको प्रोग्रामेटिकली अगर आप करो, तो आप एक दिन में पूरी इंडिया कवर कर सकते हो। तो स्ट्रैटेजी को बेसिकली बोलते हैं प्रोग्रामिंग एसईओ। सो बेसिकली कोडिंग स्किल हम थोड़ा यूज करके उसमें, और प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा स्किल हम यूज करके अगर हम बना रहे हैं, और बल्क में अगर हम बना रहे हैं तो उसे प्रोग्रामेटिक एसईओ में काउंट करते हैं, राइट? हाँ, प्रोग्रामेटिक में जरूरी नहीं है कि आपको कोड की जरूरत है। आप नो कोड टूल्स काफी अवेलेबल हैं, जैसे WP ऑल इम्पोर्ट एक वर्डप्रेस प्लगइन है, आप उसको यूज करके बना सकते हो। शीट्स करके काफी सारे प्लगइन्स आते हैं, गूगल शीट से जो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट बना देते हैं, आप उनको यूज करके बना सकते हो। तो बेसिकली मतलब ऑल 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 इम्पोर्ट प्रो वाला शायद आपने अभी वीडियो में भी शेयर किया था कि कैसे उसको यूज करना है एग्जैक्टली, राइट? सो ये वही। सबसे बड़ा मेन रीजन रहता है, मतलब प्रोग्रामेटिक एसईओ के बारे में अगर हम किसी ब्लॉगर से बात करते हैं, तो वो यहीं पे स्टॉप हो जाता है कि प्रोग्रामेटिक एसईओ मतलब कोड, मतलब उनको कोड करना है, और यहीं पे वो छोड़ देते हैं। बट अगर आप गूगल सर्च करोगे या छोटा मोटा यूट्यूब पे भी जाओगे, तो आपको काफी मिलेगा कि आप इसको बिना कोड के भी कर सकते हो। नाइस। तो पहले तो लोग शायद से जो कॉर्पोरेट्स हैं वो कोई वो यूज करते थे ना, एक टूल यूज करते थे जिससे चीजें ऑटोमेटिकली शेयर होती थी, उसका क्या नाम था? आई थिंक जैपियर, जैपियर मोस्टली यूज करते थे। ज़ैपियर, हाँ तो लाइक जैपियर से भी प्रोग्रामेटिक ऐसे हो सकता है? हाँ ज़ैपियर से कर सकते हो आप। इंटेरोगेटली आता है, पैबली आता है, ये सब टूल्स हैं, ये सब नो कोड टूल्स हैं जो आपको इंटीग्रेशन प्रोवाइड करते हैं। इनको यूज़ करके आप कर सकते हो। बेसिकली आपको शीट, गूगल शीट से डेटा वर्डप्रेस पे लेके जाना है, तो उसके लिए आप ज़ैपियर, पैबली, कुछ भी आप यूज़ करो। तो वर्डप्रेस इसके लिए रिलायबल है, मतलब लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो ये साइट्स मतलब कितना रिलायबल है, या फिर इसके जो बेसिकली
जो अभी टॉपिक जो डिस्कशन रहेगा अभी का आगे का, तो हम उसमें आगे ये बात करने जा रहे हैं कि इसका एक्चुअल फ्यूचर क्या है, क्या इसको करना चाहिए हमें, या फिर कहाँ पे हम स्टक हो सकते हैं, या फिर कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसके बारे में ही इस तरीके से हम आगे बात करेंगे। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसका आपके हिसाब से क्या फ्यूचर है? मतलब रिसेंटली AI अपडेट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, ChatGPT भी काफी सही चीज आ गया, तो ये सबसे क्या चेंज होगा, क्या लगता है? और चैट जीपीटी, AI, ये सब अलग पार्ट में होंगे। प्रोग्रामेटिक ऐसे होते हैं कि आप डेटा, एक्चुअल डेटा के साथ वर्क कर रहे हो। AI में क्या होता है, अगर आप उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी देखोगे, वो आपको डायरेक्ट बोलते हैं कि कई बार हमारा जो AI है वो आपको करेक्ट आंसर नहीं देता। बट प्रोग्रामेटिक ऐसे केस में क्या होता है कि जो आपका डेटा है वो आप डेटा पहले ही कलेक्ट करते हो, डेटा सेट आप कलेक्ट करते हो। प्रोग्रामेटिक ऐसे में तीन चीजें चाहिए होती हैं आपको, हेडर्स, मॉडिफायर्स प्लस डेटा सेट। अब जो आपका डेटा सेट है वो तो पहले से वैलिडेटेड है ना, आपको पता है कि ये जो इसमें डेटा सेट में जो डेटा है वो एक्चुअल डेटा है। तो जो सर्चर गूगल से सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आएगा तो उस बंदे को पता है कि वो क्या सर्च कर रहा है और आप उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हो। तो जब तक आप यूजर को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो तब तक ये बेस्ट है। गूगल वॉन्ट हिट यू। गॉट इट गॉट इट। सो बेसिकली हमें मतलब SEO भी जब हम करते हैं, जब मैं भी कुछ क्लाइंट्स के लिए SEO करता हूँ, तो मैं सिर्फ ये यूजर चीज, का इंटेंट सेटिस्फाई करना है। इंटेंट सेटिस्फाई कर दो, उसमें कंटेंट से उतना मतलब नहीं है कि कंटेंट कितना, कितने थाउजेंड वर्ड्स हैं या कितने कैसे लिखा है, बट मेनली बस ये होता है कि आप जितना जल्दी इंटेंट सॉल्व कर दो, उससे आपका रैंकिंग में इफेक्ट पड़ता है, उससे जल्दी थोड़ा सा रैंक हो जाती है। तो ये तो हो गया प्रोग्रामेटिक वाली चीज का। नाउ एक एक मैंने थोड़ा कम्युनिटी देख रहा था, तो उसमें काफी लोगों का इश्यू था कि इंडेक्सिंग नहीं होती जब हम बल्क में साइट्स बनाते हैं। तो काफी सारे लोग होते हैं जो प्रोग्रामेटिक एसईओ को स्पैम की तरह यूज करते हैं, कि 10-10 हज़ार पेज बना दिए, 20 हज़ार पेज बना दिए। अब वो 20 हज़ार पेज के लिए अगर हम टेक्निकली सोचें, तो क्रॉल इंडेक्स बहुत सारा लगेगा, क्रॉल क्रॉल बजट बहुत सारा लगेगा, उसके हिसाब से वो इंडेक्सिंग करेगा, राइट? तो जब हम जो क्रॉल बजट है, जो गूगल, अगर हम टेक्निकल पार्ट्स में जा रहे हैं, तो जो वो क्रॉल बजट है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कुछ उसके बारे में अगर आपके पास कुछ थॉट्स शेयर करना चाहो तो, या फिर और इंडेक्सिंग में कैसे उसमें हेल्प हो सकती है। क्रॉल बजट के लिए तो आप बेसिकली अपनी वेबसाइट की जो स्पीड है उसको अच्छे से अच्छा रखो, सर्वर आप अच्छे वाले यूज करो। बाकी आपने भी जैसे अभी शेयर किया था AHrefs वाला, वो काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं। AHrefs फ्री वेब मास्टर टूल को इंस्टॉल कर सकते हैं हम, वो आपका उसमें डेली फ्रीक्वेंसी के साथ उसको इंस्टॉल करके छोड़ दो तो वो क्रॉलर आएगा तो वो इंडेक्स कर लेते हैं। बाकी आप इंडेक्सिंग API भी यूज कर सकते हो, गूगल के ऑफिशियल जो है रैंक मैथ प्लगइन के साथ इंटीग्रेट करके वो भी यूज कर सकते हो। बाकी आप एक, आपने जैसे भी बताया आपने 10,000 पेजेस डाल देते हैं स्पैम करते हैं, स्पैम मत करो। स्टार्टिंग में ड्रिप फीडिंग करो, मतलब 10 पोस्ट पर डे, 20 पोस्ट, 30 पोस्ट, देखो कि गूगल बॉट कैसे कैसे क्रॉल कर रहा है। और बाकी जैसे भी हमारे कुछ दिन पहले डिस्कशन भी हुई थी इसके रिगार्डिंग कि हमारा जो गूगल का बॉट होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे आता है, तो उस टाइम को देखो कि आपकी साइट पे कब आ रहा है वो क्रॉलर। इसको आप थोड़ा आप एक्सप्लेन ज़्यादा और अच्छे से कर पाओगे नेक्स्ट में। तो आते हैं सॉल्यूशन पे, ठीक है? तो बेसिकली जो हमने भी जो साइट बनाई थी, जो जिसका स्टैट्स मोस्टली ऊपर ही जा रहा है, थोड़ा सा डाउन हुआ, वो भी कुछ अलग रीजन था, उसकी वजह से डाउन हुआ। तो उस साइड में भी मैंने जो चीजें इम्प्लीमेंट करी एग्जैक्टली, मैं उसका एक हल्का सा केस स्टडी का और भी देता हूँ कि क्या क्या मैंने एग्जैक्टली किया। और जो मैंने पोस्ट भी डाला था कि HRF वाली जो चीज है, जो अभी डिस्कस करी हमने, HRF वाला जो पार्ट है, इससे करने से क्रॉलर आता है और इससे इंडेक्सिंग होती है। तो देखो, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, दैट वॉज कि अगर किसी हम क्रॉलर को बता रहे हैं कि हाँ मेरी साइट ये एग्जिस्ट करती है, इसको क्रॉल करो आगे, ठीक है? एक क्रॉलर कर रहा है, उसके बाद स्क्रीमिंग फ्रॉग का क्रॉलर कर रहा है, उसके बाद अगर आप खुद का कस्टम बना सकते हो, पिंग कर रहे हो बाहर वाले उसको, तो वो पिंग करने से थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। नॉट 100% कि ये नहीं है कि आपके 1 लाख पेज एक दिन में इंडेक्स हो जाएंगे, वो नहीं होने वाला, बट अगर आपके 500 पेज है, 2,000 पेज है, थोड़े से कम लिमिटेड पेज है जो जेन्युइन भी होते हैं, तो अगर वो पेज है, प्लस में एक कंडीशन और है, अगर आपकी कंटेंट की जो क्वालिटी है थोड़ा सा वो सही होनी चाहिए, उसमें अगर इंटेंट सॉल्व हो रहा है तो इंटेंट के साथ थोड़ा सा और वर्ड्स ऐड कर सकते हो आप, FAQs के क्वेश्चन के आप एग्जैक्टली आंसर दे सकते हो, रेलिवेंट जो जिसको हम LSI कीवर्ड्स बोलते हैं, या फिर पीपल ऑल्सो आस्क वाला जो सेक्शन है वो यूज करके आप उसके आंसर दे सकते हो। अब यहाँ तक तो काफी सारे लोगों को पता है जो हमारी कम्युनिटी में भी है। एक चीज जो लोगों को नहीं पता, दैट इज गूगल क्वेश्चन अप, ठीक है? गूगल क्वेश्चन अप में क्या होता है कि आप साइन अप कर लो सर्च कंसोल लगा के, और वहां से
मैं थोड़ा भटक रहा हूँ टॉपिक से, बट स्टिल हाँ। तो गूगल क्वेश्चन अपना भी क्या होता है कि एक तरह से हैक है ये भी। उसमें जाओ, वहां से आपने क्या करना है, अपनी साइट को कनेक्ट कर लो, उस पे अपना कीवर्ड सर्च करो, उस कीवर्ड को फॉलो करके रख लो और उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लो। तो जो क्वेश्चन ऑलरेडी वहां पर हैं जिनका आंसर गूगल के पास नहीं है, वहां पे अपने उस पेज का लिंक लगा दो। तो अगर आपने डायरेक्टरी साइट बनाई है, उस डायरेक्टरी साइट में आपने मोस्टली फोन नंबर, एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, रिव्यूज और यही सब चीजें बेसिकली आती हैं, ठीक है। तो प्लस में एक काम और कर सकते हो, कंटेंट की थोड़ी सी कमी रह गई हमारे पास, ठीक है, चाहे हमने इंटेंट सॉल्व कर दिया। अब एक लेवल के बाद कंटेंट और बैकलिंक काम आते हैं, तो इंटेंट वाला जो हमने रैंक कराना था वो करा दिया। अब हम आते हैं दूसरे तरीके से उस पर, तो आप उसको यूज करो, क्या बोलते हैं, गूगल क्वेश्चन आपका यूज करो, वहां से भी थोड़ा सा और ट्रैफिक का पुश मिलेगा। चाहे 10 लोग आ रहे हैं आपके, फ्री में ही आ रहे हैं आपके, कोई अलग से कुछ नहीं करना पड़ रहा। तो एक तो ये हो गया तरीका। सेकेंड ऑप्शन आपके पास कि आप क्या कर सकते हो, आपकी जो इंडेक्सिंग है वो कई बार उसके अड़ जाती है कि एक लिमिट के बाद इंडेक्स ही नहीं हो रहे, क्रॉल ही नहीं हो रहे पेजेस। तो उसमें क्या करो, जो आपकी पेज डेप्थ है कि मतलब मेरे को एक पेज में जाने में कितना टाइम लग रहा है, उसको आप इम्प्रूव करो। तो काफी साइट्स आपने ऐसी देखी होंगी जिसका होम पेज बहुत अच्छा बना होता है। गूगल सबसे पहले होम पेज क्रॉल करेगा, उसके बाद अंदर जाएगा, अंदर के पेजेस क्रॉल करेगा, फिर उसके बाद और जगह पे जाएगा, साइट में क्रॉल करेगा, ठीक है। तो आप जितना अच्छा पेजेस का वो बनाओगे ना स्ट्रक्चर, ठीक है, सीलो स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता देता हूँ, सीलो में भी कैसे बनाना है अपने। तो बेसिकली कैटेगरी पेज को कस्टम बना दो, पूरा कैटेगरी पेज पे पूरे कीवर्ड्स और कंटेंट डाल दो, एफएक्यूज काफी सारे वहां पे डाल दो, ठीक है, लाइक 10 FAQ डाल दो। कितने वर्ड्स हो गए, हार्डली 500-700 वर्ड्स हो गए, ठीक है, तो वहां पे वो डाल दिए, उसका एग्जैक्टली आंसर दे दिया, जो डायरेक्ट आंसर है, मतलब प्रोग्रामेटिक एसईओ कैसे करते हैं उसका डायरेक्ट आंसर, एक लाइन में सिंपल सॉर्टेड खत्म। कुछ नहीं एक्स्ट्रा बोलना कि इससे करने से वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं बोलना हमें, हमने डायरेक्ट आंसर देना है पॉइंट टू पॉइंट, दैट्स इट। सबके पास टाइम कम है, हमारे पास भी टाइम कम है, हर बंदे के पास टाइम कम है, यूजर के पास भी। तो इंटरलिंकिंग करो, कैटेगरी पेज को बहुत कम लोग यूज करते हैं, उसको अच्छे से यूज करो। टैग पेजेस एडिट नहीं हो पाते उतने अच्छे से, तो वरना टैग भी हम यूज कर सकते थे, तो फिलहाल तो मैं टैग नो इंडेक्स करके ही रखता हूँ। सो कैटेगरी पेज को हम यूज कर सकते हैं, पोस्ट के अंदर हम इंटरनल लिंकिंग कर सकते हैं, और एक प्लगइन आता है, आपने कम्युनिटी में शेयर किया था, WYARP, येट अनदर रिलेटेड पोस्ट प्लगइन। तो ऐसे 2 प्लगइन डालो, 1 मिनट डालो, 2 डालो, ठीक है, 2 प्लगइन डालोगे ना, इनलाइन रिलेटेड पोस्ट आता है, इनलाइन रिलेटेड पोस्ट। एक एक इनलाइन रिलेटेड पोस्ट था और एक येट अनदर रिलेटेड पोस्ट प्लगइन था, WYARP, ऐसा कुछ पता नहीं क्या करके था, येट अनदर रिलेटेड पोस्ट प्लगइन। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, कौन सा प्लगइन यूज करने हैं, और साइट के जो सैंपल्स भी हैं, जो प्रोग्रामेटिक एसईओ वाली साइट्स हैं उनके भी, वो भी मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो बेसिकली इस तरीके से इंडेक्सिंग का इश्यू जो है काफी हद तक सॉल्व हो सकता है, बट 100% सॉल्यूशन पूरे एसईओ में किसी भी चीज का नहीं है, नॉट इवन कंटेंट, नॉट इवन बैकलिंक्स, किसी भी चीज का 100% सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो दिस इज दी बेस्ट थिंग जो मैंने अब तक एग्जीक्यूट करी है, और उससे रिजल्ट काफी हद तक आया है, मतलब उसमें अभी तक तो साइट हिट नहीं हुई है, और ना ही कोई ऐसा इश्यू आया कि जिससे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो बहुत बड़ी। तो ये चीजों का ध्यान रखो, मेन मतलब हमें इंटरनल लिंकिंग और क्रॉल डेप्थ पे वर्क करना है। तो राइट, क्रॉल डेप्थ के लिए हम मैं जैसे जैसे अभी हमने बात की थी, तो हम स्पैमिंग अगर हम नहीं करेंगे, हम ड्रिपफीडिंग के साथ कंटेंट डाल रहे हैं, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए कि जो वर्डप्रेस के 3 पार्ट्स आते हैं हमारे पास, पोस्ट, और उसमें पोस्ट के अंदर हमारे पास टैक्सोनमी होता है, कैटेगरी, टैग्स एंड ऑथर, ठीक है। तो जब आप प्रोग्रामेटिक एसईओ कर रहे हैं, तो आप सीएसवी में अलग से एक पार्ट्स, एक कॉलम्स बना लो डायनेमिक कैटेगरीज, टैग्स और ऑथर्स का। तो इससे क्या होगा कि आपको हर पोस्ट के लिए आपके 3 टैक्सोनमी अटैच हो जाएंगे। उसके बाद एक अलग से पेजेस बना लो जिसपे सारे ऑथर्स हों, और एक पेज जिसपे सारे कैटेगरीज हों, और एक पेज जिसपे सारे टैग्स हों, और इनको फुटर में लिंक कर दो। तो इससे क्या होगा, जो 3 स्टेप वाला है ना कि 3 क्लिक्स के बाद गूगल के क्रॉलर तक आना चाहिए, तो वो थोड़ा कवर हो जाता है। और एक चीज और, आप क्या कर सकते हो कि कंटेंट के सिंडिकेशन ऑटोमेट ऑटोमेट कर सकते हो यूजिंग द टूल्स लाइक IFTTT, और भी काफी सारे टूल्स आते हैं जिससे आपको सोशल मीडिया पे वो सिंडिकेट हो जाते हैं। जैसे आपके वर्डप्रेस पे पब्लिश हुआ, वहां से आप हाँ आगे कनेक्ट कर सकते हो टम्बलर, वीबली, वर्डप्रेस, फेसबुक, ट्विटर, इन पे सिंडिकेट जब कंटेंट होगा, तो इससे भी इंडेक्सिंग में काफी फर्क पड़ेगा और शायद रैंकिंग में भी हेल्प करता है, राइट, सोशल अथॉरिटी बिल्ड होती है। तो जो जो आपने सोशल अथॉरिटी में रहता है। फर्स्ट वाला पार्ट डिस्कस किया कि डायरेक्टली उस पे कैटेगरी पेजेस बना सकते हैं ऑल ऑल इन वन इनपुट से, सो
मोस्टली वैसे हमने पॉडकास्ट शूट करना था, पॉडकास्ट वीडियो टाइप शूट करना था, बट वीडियो से कि डायरेक्टली वही करते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्रीन शेयरिंग करके अगर आप शो कर सकते हो अभी ये चीज़ तो किसी पर्टिकुलर साइट पे। ठीक है, इसमें स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, तो मेरे पास ये भी ना डेटा सेट है जिसमें एक बार डॉग्स की ब्रीड्स हैं। ठीक है, इसमें मैंने कॉलम्स बनाए हुए हैं, कैटेगरी में एक ही कैटेगरी डाल दिया मैंने। ठीक है, तो आप इसको रैंडम भी कर सकते हो, जैसे डॉग फूड, फूड ऐसे, मतलब अपने कीवर्ड के अकॉर्डिंग आप इसमें बना सकते हो। गॉट इट। तो ठीक एक है, ही सब मैंने कैटेगरी को ऐसे बना डाल दो, दिया। मतलब इसमें अगर हम मान लो हम पूरा डेटा ही इसके अराउंड में डाल रहे हैं, डॉग फूड के बारे में डाल रहे हैं, तो एक ही कैटेगरी को अगर हम बार बार करेंगे तो उसके मल्टीपल पेज तो नहीं बन जाएंगे इससे? अच्छा नहीं, कैटेगरी तो एक ही रहेगी ना। मैं अभी करके दिखाता हूँ, मतलब ये ठीक। आपको मीन जो आपको अपना क्रिएटिव वर्क करना है वो यहाँ पे करना है कि आप डिफरेंट कैटेगरीज वर्ड कैसे यूज़ कर सकते हो। ओके जैसे मैंने यहाँ पे डॉग फूड एक कैटेगरी बनाई, एक फूड कैटेगरी बना दी, दो अलग अलग कैटेगरीज है ना, तो ऐसे आप कोशिश करोगे आप चार पांच अलग अलग बना सको एक ही पोस्ट के लिए। ठीक तो एक तरह है, से इसमें हम ये बढ़िया। बता सकते हैं कि चीप डॉग फूड, ऐसा रेलेवेंट कीवर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, मतलब यहाँ मल्टीपल कैटेगरीज के लिए। हाँ, वो यूज़ कर सकते हैं रेलिवेंट, ये आपके क्रिएटिविटी के ऊपर है। ओके उसके बाद सेम थिंग टैग्स के लिए करनी है, हाँ और उसके बाद ऑथर्स, जो ऑथर्स हैं यहाँ पे ना, आपके ऑथर्स की आईडी आएगी। इसमें ओके आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट पे जाके, मैं डमी डोमेन पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने ना चार पांच ऑथर्स बना लेने, अलग अलग नेम से, ठीक है। ऐसे रैंडम जैसे मैंने बनाए हुए हैं ना। तो आपको इनकी ऑथर्स की आईडी चाहिए। जैसे आप होवर करोगे ना नीचे, आपको लिंक में दिख रहा होगा यूजर आईडी इज इक्वल टू 3, हाँ। यूजर आईडी 4, 2, 1 एंड 5, ऐसे करके। तो आपको यहाँ पे इन आईडीज को यूज करना है, जैसे 2, 3, 4, 5। अभी आपके पास चार ऑथर्स हैं, इन्हीं को सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ऐसे। ठीक है, तो आपके पास ये शीट अब रेडी होगी, इसको आपको CSV में एक्सपोर्ट कर लेना है। उसके बाद आपको प्लगइन यूज़ करना है WP ऑल इम्पोर्ट, और इसमें न्यू इम्पोर्ट। राइट फ्री वर्जन, मैं फ्री वर्जन से बताता हूँ। ओके नाइस। सो अभी हमने फाइल इम्पोर्ट कर दिया, दैट्स इट, जो हमारी CSV फाइल थी बस। CSV फाइल को अपलोड किया, और उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है पोस्ट बनानी है, पेजेस या क्या बनाने हैं। तो उसके बाद पोस्ट बनाने हैं, मैं कंटिन्यू। ये आपको डेटा दिखा देगा, ब्रीड्स, कैटेगरी, टैग एंड ऑथर। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कंटेंट टेम्पलेट बनाना है, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बेस्ट डॉग फूड फॉर ब्रीड। ये टेम्पलेट आप बाद में अपना आप अलग से बना सकते हो, अभी इस पे हम वर्क नहीं करेंगे। मैं आपको मेन चीज़ जो दिखा रहा हूँ, ये टेम्पलेट वाला पार्ट वैसे मैंने कल वीडियो में शेयर किया हुआ है, देख सकते हो आप। यहाँ पे आपको कैटेगरीज में यहाँ से पिक करके कैटेगरी डालनी है, टैग्स में टैग्स को डालना, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना और कुछ नहीं करना, राइट? या जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। उसके बाद यहाँ पे ऑथर्स में आपको अच्छा डाल दे रहा ऑथर की आईडी आईडी। डालनी है ऐसे, वहीं से मतलब ड्रैग ड्रॉप करना, तो आईडी अपने आप आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद इफ़ यू वांट टू सेव दिस टेम्पलेट, यू कैन सेव इट एंड कंटिन्यू टू स्टेप 4। यूनिक आइडेंटिफायर यू कैन ऑटो डिटेक्ट। यूनिक आइडेंटिफायर क्या होता है बेसिकली? ये बेसिकली जस्ट टेम्पलेट को सेव करने के लिए एक आईडी होती है ना, इसको एक एज अ आईडी यूज कर लेगा, मतलब एक प्राइमरी की होती है इनके, जो बैकएंड पे जो ये यूज करते हैं। अच्छा ओके। डेटाबेस वाला हिसाब किताब होगा थोड़ा सा, डेटाबेस में क्या जा रहा ये यहाँ पे है थ्योरी पे, मैं नहीं ज़्यादा जाऊँगा, यहाँ पे पढ़ सकते हो जिसको है। ओके ओके डीप ठीक में जाना है। है। उसके बाद कंटिन्यू एंड इट विल स्टार्ट इंपोर्टिंग। कंफर्म,
इट विल स्टार्ट इंपोर्टिंग। यहाँ पे आप लॉग देख सकते हो। एक साथ 20 पोस्ट इसने कर दी। फ्री वर्जन में सिर्फ ये लिमिटेशन है, पेड में क्या होता है आप इसको शेड्यूल कर सकते हो कि आपको कितने मिनट में कितनी पोस्ट करनी है। फ्री वर्जन में ये अपनी मर्जी से ऐसे ही एक ही बारे में इंपोर्ट कर देगा सारे पोस्ट को। अब यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी आ गई, टाइटल, टेम्पलेट, टैग एंड द ऑथर। सो बेसिकली गूगल के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, मतलब हमने प्रैक्टिकली देख लिया कैसे करना है, तो अब इसका रीजन जानते हैं। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इन चीज़ों में, एसईओ वाली चीज़ों में, मेरे को लगता है कि हर चीज़ का एक रीज़न होता है, राइट? तो जो यूजर्स जो वॉच कर रहे हैं वीडियो इस टाइम पे, तो मतलब कि हमने ऑथर नहीं बना, बिना बनाए भी हम कंटिन्यू कर सकते थे, बट हमने ऑथर इसलिए बनाया ताकि इट शुड लुक जेन्युइन। कोई भी अगर आप साइट बना रहे हो या कोई ब्लॉग अगर आप बिल्ड कर रहे हो, स्पेशली ऑन ऑटोमेशन, तो आप ऑलरेडी काफी हद तक स्पैम के बहुत पास में हो। हल्का सा ही गैप है स्पैमिंग में, कि ज्यादा अगर आप कर दोगे, एकदम से ज्यादा पोस्ट आप डाल दोगे तो स्पैम में आ जाएगा। तो हमें ऑलरेडी चीजें लिमिटेड करनी है ताकि वो रियल लगे। दूसरी चीज हमें जो ध्यान रखना है वो ये कि ऑथर से क्या होता है, एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है कि गूगल को लगता है कि ये जो चीज है वो रियल है, मतलब ये जो पर्सन है वो एक्चुअल में है, उसकी सोशल प्रोफाइल्स है, उसकी सोशल अथॉरिटी है। और अगर आप सेम ऑथर्स को मल्टीपल जगह पे, मल्टीपल साइट्स पर यूज करते हो, तो उससे गूगल ट्रैक कर पाता है कि हाँ ये बंदा जो है, ये जो ऑथर है वो जेनुअन है। क्योंकि वो नाम जब हम सर्च करते हैं उस नाम से गूगल ट्रैक कर सकता है कि कितने पेजेस उसके आ रहे हैं, कितने कैसे क्या है। तो जो ऑथर वाला पॉइंट है इसलिए हमने इसमें ऐड करा, ताकि हम अथॉरिटी बिल्ड कर पाए, लॉन्ग टर्म में वो साइट ड्रॉप ना हो। तो आई थिंक इतना ज्यादा क्लियर होगा। और क्रॉल क्रॉल डेप्थ के लिए भी इसको यूज़ किया। बेसिकली जो मैंने यूज़ किया वो क्रॉल डेप्थ के लिए इसको यूज़ किया कि एक एक्स्ट्रा पेज हमें मिल जाए स्लैश ऑथर वाला, जिसपे सारी पोस्ट आ जाएँ और आप एक पेज बना सकते हो अबाउट अस, वहाँ पे अपना ऑथर्स को लिस्ट किया तो उससे होगा कि जो थ्री थ्री क्लिक्स वाला रूल है गूगल का, उसमें ये आ जाएगा कि आपका जो पेज है वो थ्री क्लिक्स में अवेलेबल होना चाहिए। तो होम पेज, ऑथर पेज, वहाँ से आपकी सारी पोस्ट, अच्छा बेसिकली, सेम विद कैटेगरी एंड सेम विद टैग्स, अच्छा तो बेसिकली एक हमने स्ट्रक्चर को भी इससे इम्प्रूव कर लिया, ताकि अगर स्ट्रक्चर भी गूगल इम्प्रूव है। ऑथर हाँ ऑथर वाले पेज पर जाता है, अगर हमारे सर्च कंसोल से भी वो ऑथर वाले उस पे सॉरी साइट मैप से भी ऑथर वाले पेज पर जाता है, तो उससे क्या होगा कि वो हमारी सारी पोस्ट को देख सकते हैं कि इस बंदे ने कौन कौन सी पोस्ट डाली है, दूसरा बंदा है उसने क्या क्या पोस्ट डाली है, तो इससे वो पूरा देख सकता है और काफी हद तक क्रॉल जो डेप्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी, इजिली क्रॉल कर पाएगा जो क्रॉलर रहेगा। तो काफी अच्छा लगा मुझे भी ये चीज, तो ट्राई करो। एंड तो बेसिकली हम जो पूरा रिकैप कर लेते हैं, हमने क्या क्या डिस्कस किया। फर्स्ट इज कि प्रोग्रामेटिक एसईओ क्या होता है, कैसे उसका डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन बेसिकली। आफ्टर दैट उसके फायदे क्या है और क्या उससे पॉसिबिलिटीज है, मतलब कि उसका क्या फ्यूचर हो सकता है। एंड उसके बाद हमने प्रैक्टिकली देखा कि आप अपनी साइट कैसे बना सकते हो ऑटोमेशन पे, क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या प्लगइन्स आपको चाहिए, A to Z सारे स्टेप्स पूरे अभिषेक ने शेयर कर दिए। अगर कुछ भी इश्यू होता है कि कुछ ही समझ नहीं आ रही, कहीं पे कंफ्यूजन है, तो अभिषेक का ग्रुप है, ग्रुप का नाम लाइक ऑटोमेट एंड चिल बाय अभिषेक सूद, अगर आप फेसबुक पर सर्च करोगे तो वहां पर ज्वाइन करके अपना जो क्वेरी है वो पूछ सकते हो। एंड ऑल्सो एक प्रोग्रामेटिक एसईओ वाला ग्रुप है, वो दोनों लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो वहां पे। एंड कुछ भी क्वेरी आता है, कहीं भी इश्यूज आते हैं, कुछ प्लगइन में हेल्प चाहिए, कुछ क्रैश हो रही है साइट, कहीं भी इंडेक्सिंग नहीं हो रही, कुछ भी हो रहा है, तो आप और डिटेल्स के लिए वहां पर ज्वाइन करके क्वेरी अपना क्वेश्चन जो है वो पोस्ट उसमें डाल सकते हो। तो आई थिंक दैट्स इट। सो बस एक लास्ट चीज रह गई कि वो साइट्स जो है, वो साइट्स की लिस्ट हम शेयर कर देंगे आफ्टर दी वीडियो, एक स्लाइड लगा देंगे यहाँ पे, उसमें सारी साइट्स की लिस्ट डाल देंगे जो कि प्रोग्रामेटिक एसईओ कर रही है, ठीक है? तो दैट्स इट। अगर आपको अच्छा लगा हो, अभिषेक का भी काफी सारा नॉलेज उन्होंने शेयर किया और मैंने भी थोड़ा शेयर किया चीजें कुछ कुछ, तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप सर 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 सर